बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वैक्यूम पंप्स के बारे में है, क्योंकि हमें पता है हम वैक्यूम के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इनिशियली हमने वैक्यूम मेजरमेंट करने के लिए जो गेजेस थे जो इस्तेमाल हो रहे हैं डिफरेंट किस्म के, उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम वन बाय वन वैक्यूम पंप्स के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं हमारे लैब्स वगैरह में, इंडस्ट्री में और दूसरी जगहों पर, उनके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उनके कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे और उनकी वर्किंग पढ़ेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं। वैक्यूम पंप्स की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे होती है? ज़ाहिर है हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, उनका वर्किंग स्टाइल है कि कोई पंप वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस करता है और एक क्लास में कितनी टाइप्स के पंप हो सकते हैं, और उसके अलावा फिर हमारे पास टोटल क्लासेस कितनी हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे हमने गेजेज में भी पढ़ा था, वहाँ भी डिफरेंट किस्म के क्लासेस थी और क्लास में डिफरेंट आपके पास गेजेस मौजूद थे। उसके बाद ये पंप ऑपरेट कैसे करते हैं, इनका वर्किंग स्टाइल क्या होगा, फिर अगर एक वैक्यूम पंप वर्किंग में है तो उसकी वैक्यूम क्रिएट करने की रेंज कितनी होगी, वो एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर प्रेशर को कितना डिक्रीज कर सकता है, और फिर उसकी पंपिंग स्पीड क्या, मतलब ये कि कितनी तेजी से वो ये काम कर सकता है प्रेशर को डिक्रीज करने का। और उसके बाद टाइप ऑफ गैस फ्लो, किस किस किस्म की गैसेस और चैम्बर के अंदर जो गैसेस होती हैं उसमें जाहिर है मुख्तलिफ गैसेस होंगी, उसके अंदर वेपर्स होंगे, तो कौन सा पंप किन गैसेस के लिए इफेक्टिव है और कौन सा पंप इफेक्टिव नहीं है, ये भी हमें देखना होता है। और हर पंप के जाहिर है इस्तेमाल करने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो ये तमाम वो पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे वैक्यूम पंप्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। और फिर ये भी देखा जाता है कि पंपिंग के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का इफेक्ट क्या हो सकता है। बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कोई ऐसा पंप होगा जो बहुत जल्दी से जो आपके पास नाइट्रोजन है उसको एवैक्यूएट कर देगा, लेकिन जो बाकी आपके पास माइनर परसेंटेज वाली गैसेस हैं उनको वो इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि हमारे पास वहाँ पे कौन सा पंप जो है वो इफेक्टिव होगा। अच्छा, ये अब एक चार्ट है जिसमें प्रेशर रेंज पंप्स की बताई गई है, थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट, इसको जूम करके दिखाया हुआ है, तो इस वजह से ये इसमें पहला अगर आप देखें तो वाटर एस्पिरेटर पंप है, उसके बाद सॉर्प्शन पंप है, डबल स्टेज रोटरी है, रूट्स ब्लोअर है, डिफ्यूजन पंप है, टर्बो पंप है, स्पटराइन पंप है, स्पटराइन प्लस टीएसपी और क्रायो पंप है। अच्छा, इसकी रेंज अगर देखें तो प्रेशर टॉर में दिया हुआ है, 10^3 से लेकर 10^-11 टॉर पर ये प्रेशर मौजूद है। ये आपके पास हायर प्रेशर रेंज है, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास लोअर प्रेशर रेंज होगी, मतलब ये कि अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और वैक्यूम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। वाटर एस्पिरेटर पंप जो है उसकी रेंज सबसे कम है, 10^3 से लेकर 10^2 तक आई थिंक ये मौजूद है। उसके अलावा अगर सॉर्प्शन पंप और डबल रोटरी पंप देखें तो ये भी 10^-2 और 10^-3 टॉर तक वैक्यूम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने हायर रेंज तक जाना हो, जो कि कॉमनली हमारे जो मटेरियल लैब्स हैं उसके अंदर डिफ्यूजन पंप और ये टर्बो मॉलिक्यूलर पंप जो है ये इस्तेमाल होते हैं, ये कॉमनली आप अगर सिस्टम देखें देखो आपको ये लैब में नजर आएंगे। उसके अलावा फर्दर अगर बहुत ज़्यादा हायर तक जाना है तो आप देखें स्पॉट ट्राइन पंप जो है वो आपको 10^-11 टॉर तक का जो वैक्यूम है वो प्रोड्यूस करके दे सकता है। अब अगर इसमें देखें तो हर एक का जो स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे अगर स्पटर आयन पंप को देखें या स्पटर आयन प्लस टीएसपी पंप को देखें जो 10^-11 तक जा रहा है, तो आप ये देखेंगे उसका जो स्टार्टिंग प्रेशर है कि जहाँ से वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा वो 10^-5 है, 10^-4 सॉरी -4 टॉर से लेकर 10^-11 टॉर तक इसकी प्रेशर रेंज है, इसके दरमियान में ये वर्क कर सकता है। तो इससे पहले क्या होगा, इसका मतलब ये कि इससे पहले हमने एक ऐसा पंप लगाना है जो 10^-4 टॉर तक प्रेशर पहले क्रिएट करेगा, और उसके बाद फिर हम सिस्टम को
ट्रांसफर करेंगे इस स्पटर आयन पंप की तरफ ताकि उससे फर्दर आगे जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर सके। अब 10^-4 तक अगर आपने कोई प्रेशर डिक्रीज करवाना तो आप स्टार्ट वाले जो ये पंप है, फर्ज करें हमारे पास ये रूट्स ब्लोअर है, ये आपके पास 10^-4 तक आ रहा है, लेकिन अगर देखें तो ये 10^-1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब आपको इससे पीछे एक और पंप लगाना पड़ेगा, वो कौन सा हो सकता है? वो डबल रोटरी पंप हो सकता है, सॉर्प्शन पंप हो सकता है। तो एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर तक जाने के लिए आपको मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ पंप ऑपरेट्स करवाने पड़ेंगे, और ये तमाम के तमाम पंप्स फिर एक दूसरे के साथ सीरीज में वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे एक ही करेगा। हाँ, स्टार्ट में ये होगा कि पहले आप रोटरी पंप स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसके बाद रूट्स ब्लोअर स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरे स्टेप पे जाके आप स्पटर आयन जो है उसको स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह जब आपने ये वैक्यूम ख़त्म करना होगा तो बारी बारी इसी तरह बैक की तरफ आएंगे। ठीक है जी। मेथड ऑफ ऑपरेशन जो है इन पंप्स के, वो मैकेनिकल पंप्स हो सकते हैं, वेपर पंप्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे पंप भी हो सकते हैं। बर्नौली क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, उस प्रिंसिपल के ऊपर भी कुछ पंप्स वर्क करते हैं। फिर एंट्रेनमेंट पंप्स भी हो सकते हैं। अब इसमें हर एक के मुख्तलिफ टाइप्स, हर एक क्लास के मुख्तलिफ पंप्स उसमें मौजूद हैं। रोटरी वेन है, रूट्स ब्लोअर है, रोटरी मॉलिकुलर, ये मैकेनिकल पंप्स हैं। वेपर पंप्स में डिफ्यूजन और ऑयल इजेक्शन है। बर्नौली में एस्पिरेटर पंप है, और अगर एंट्रेनमेंट पंप में देखें तो सॉर्प्शन पंप है, क्रायोजेनिक है, और टाइटेनियम सब्लिमेशन पंप है। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं किसी भी पंप को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब आपने इसको चैम्बर के साथ अटैच करना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जहाँ पे आपने बहुत सोफिस्टिकेटेड काम करने होते हैं तो फिर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखना होता है। मशीनों के भी पैरामीटर्स वो आपने देखने होते हैं। तो उसमें गारा पंप भी एक मशीन है, उसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। किसी एनवायरमेंट के लिए वो सूटेबल होता है, एक दूसरे के लिए नहीं होता, तो डिपेंड करता है कि वो क्या है। क्लीनलीनेस इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको डर्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, वेपर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। और यहाँ पे कुछ पंप्स ऐसे हैं जिनका प्रिंसिपल जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें ये चांस मौजूद होता है कि ऑयल की बैक स्ट्रीमिंग हो जाए और ऑयल जो है वो पंप से निकल के चैम्बर में चला जाए, इसलिए इसको चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है। कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन है, क्या कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन है या पंप जो है वो दरमियान में गैप देता है अपने ऑपरेशन के दौरान? तो कॉन्टीन्यूस गैस फ्लो जो है वो एनवायरमेंट्स के लिए बाज़ुकात ज़रूरी होता है, तो वो भी देखा जाता है। उसके बाद सेंसिटिविटी टू डिफरेंट गैसेस, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कोई पंप कुछ गैसेस के लिए इफेक्टिव होते हैं, कुछ वेपर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि उनकी एफिशिएंसीज कैसे वेरी कर रही हैं। उसमें इनर्ट और लो मास गैसेस जो हैं वो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है ज़ाहिर है। और उसके बाद कंप्रेशन रेशो, के जब वो एयर को कंप्रेस करते हैं बाहर निकालने के लिए, वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो रेशो कितनी हो सकती है। अभी एक और चार्ट है जिसमें जो हमने पिछले पेज के ऊपर जो चीज़ें स्टडी की हैं उनका कंपैरिजन दे दिया गया। यहाँ पे ये पंप टाइप है जिसमें एस्पिरेटर, रोटरी वेन, सॉर्प्शन, रूट्स, ऑलिट्रीज तमाम मौजूद हैं। यहाँ उनकी रेंज बताई गई कि रफ रेंज है या बूस्ट है या हाई वैक्यूम है या उसमें जो वेपर्स वाली रेंज है उसके लिए। मेथड्स कौन सा है, बर्नौली है, मैकेनिकल है, एंट्रेनमेंट है, कौन से मेथड्स हैं, क्लीन है या नहीं है। उसमें आमतौर पर आप देखेंगे जहाँ पे ऑयल यूज हो रहा होगा वो आपके पास क्लीन पंप नहीं होगा, जहाँ पे ऑयल नहीं होगा उनको आमतौर पर कंसिडर किया जाता है कि ये क्लीन है। उसके अलावा फिर ये कि क्या ये गैस सेंसिटिव है या नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसे होंगे मैकेनिकल पंप जो कि गैस सेंसिटिव नहीं होते, जबकि सॉर्प्शन पंप जो है वो क्योंकि चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें कुछ गैसें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सरफेस पे कुछ नहीं होती, तो वो सम एक्सटेंट जो है वो हो सकते हैं। उसके अलावा टर्बो मॉलिक्यूलर और स्लाइटली ज़ाहिर है जो लो मास आपके पास गैसेज तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है जी। फिर कंटिन्यूस ऑपरेशन, क्या कंटिन्यूस ऑपरेशन है या नहीं है, तो इसमें भी आपके पास यहाँ पे पूरी डिटेल मौजूद है कि सॉर्प्शन में कंटिन्यूस नहीं होता, बाकी तमाम मैकेनिकल जितने भी होते हैं वो सब कंटिन्यूस होते हैं,
उसके अलावा जो आपके पास डिफ्यूजन ऑयल इंजेक्टर ये भी कंटीन्यूअस होते हैं, जबकि स्पटराइन और जो सब्लिमेशन वाले हैं ये आप इनको कह सकते हैं कि ये कंटीन्यूअस इनकी इनका ऑपरेशन नहीं होता। ओके जी।